So today we are going to discuss the concept of join. Join का concept क्या होता है इसके ऊपर अपन discussion करेंगे. So join की हम लोग बात करेंगे. तो join का यहाँ पर meaning exactly क्या है? जब भी हमारे पास database के अंदर दो या दो से ज़्यादा tables हैं और उन particular tables से simultaneously अगर हम data को access कर रहे हैं, means we are accessing the data from two or more tables. In a single query. So then there is a need of the concept of the join. Okay, so join का concept यहाँ पर आता है जब हम दो या दो से ज्यादा टेबल से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करें कि join जो है, जो पहला टाइप जो है join का, वो है सिंपल join. तो सिंपल join का मीनिंग यहाँ पर एग्जैक्टली वही है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि दो या दो से ज़्यादा टेबल से जब इंफॉर्मेशन हम एक्सेस करेंगे तो ज्वाइन का कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा एंड दैट इज कॉल्ड द सिंपल ज्वाइन. एंड यहाँ पर ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमारे पास एक फंडा होना चाहिए. एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि दो टेबल्स जिससे हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं उन दोनों टेबल के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट प्रेजेंट होना चाहिए. अगर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो हम ज्वाइन का कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना. और दो टेबल से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं. सो यहाँ पर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए. मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, है ना. प्राइमरी की आपका की एट्रीब्यूट है जो कि एग्जिस्टिंग टेबल में है और कोई दूसरी टेबल है ना, उस टेबल के अंदर फॉरेन की है. दैट पर्टिकुलर फॉरेन की इज रेफरिंग द प्राइमरी की इन द एग्जिस्टिंग टेबल. तो यहाँ पर प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना पड़ेगा जब आप ज्वाइन कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है. सो व्हेन वी वांट टू गेट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इन अ सिंगल क्वेरी देन द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइन इज यूज्ड एज आई हैव टोल्ड यू. मीन्स द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर टेबल्स इन अ सिंगल टेबल. मतलब एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा टेबल्स को एक सिंगल वर्चुअल टेबल में मर्ज कर रहे हैं, ठीक है. तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है. हमारे पास एक टेबल है टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल. तो दिस इज द नेम ऑफ द टेबल एंड दिस टेबल इज हैविंग टू एट्रीब्यूट्स ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर एंड ट्यूटोरियल अंडरस्कोर काउंट. तो यहाँ पर ट्यूटोरियल ऑथर्स में सारे नेम अवेलेबल हैं और इनके कितने ट्यूटोरियल काउंट हैं. जैसे यहाँ पर मेहरान है, मेहरान के टोटल ट्यूटोरियल काउंट 20 है. महनाज है जिसने कोई भी ट्यूटोरियल काउंट नहीं दिया है, मतलब कोई भी ट्यूटोरियल अवेलेबल नहीं है महनाज का. एक जैन यहाँ पर है जिनका नल है. गिल है, गिल का 20 ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है. जॉन पॉल है जिनका एक ही ट्यूटोरियल है और संजय है जिनका वन ट्यूटोरियल. सो दिस इज अवर टेबल. द नेम ऑफ द टेबल इज टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल. और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि ज्वाइन का कॉन्सेप्ट दो या दो से ज़्यादा टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है तो हमें एक टेबल और रिक्वायर्ड है. यहाँ पे एक और टेबल हमारे पास है जिसमें ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टीबीएल नाम की एक टेबल है. मतलब पहली टेबल जो है वो टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल है और दूसरी टेबल जो है वो ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टीबीएल है. अब ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टीबीएल में जितने भी ट्यूटोरियल्स यहाँ पर ऑथर्स ने दिए हैं उन सारे ट्यूटोरियल का डिस्क्रिप्शन है. लाइक ट्यूटोरियल आईडी, देन ट्यूटोरियल टाइटल, देन ट्यूटोरियल ऑथर एंड सबमिशन डेट. सो यू विल गेट द थ्री टपल्स इन दिस पर्टिकुलर टेबल. तीन टपल्स यहाँ पर हैं और पहले वाली टेबल्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टपल्स हैं जो कि आपके टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल में. अब एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ जॉइन ऑपरेशन ऑन दीज टू टेबल्स. तो इन दोनों टेबल्स के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, जॉइन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं. और जॉइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है. सो फॉर दैट पर्पज वी हैव अ स्टेटमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट विल डिजाइन द क्वेरी, है ना. अब यहाँ पर देखिएगा स्टेटमेंट क्या है. सबसे पहले अपन स्टेटमेंट रीड करते हैं कि जिसके बेसिस पे हमें क्वेरी डिजाइन करनी है. वी हैव टू सेलेक्ट ऑल द ऑथर्स फ्रॉम द टेबल्स. मतलब यहाँ पर देखिएगा सारे ऑथर्स हमें यहाँ पर टेबल से सिलेक्ट करने हैं. मीन्स वी हैव टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द पर्टिकुलर ऑथर फ्रॉम द टेबल
फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टीबीएल, क्योंकि ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल में सारे ऑथर्स के नाम अवेलेबल हैं, एंड विल पिक अप द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ट्यूटोरियल फ्रॉम टी काउंट अंडरस्कोर टेबल। अब एग्जैक्टली यहाँ पर देखिएगा कि हमें क्या करना है, हमें ऑथर्स की रिक्वायरमेंट है और उनके पर्टिकुलर ट्यूटोरियल काउंट भी हमें डिस्प्ले करना है ना, विद देयर आईडी। मतलब हमें इस ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टेबल से इंफॉर्मेशन चाहिए कि भैया ट्यूटोरियल का आईडी क्या है और उस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल आईडी को किस ऑथर ने दिया हुआ है और एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर ऑथर के कितने ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। सो एग्जैक्टली वी नीड द ट्यूटोरियल काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑथर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्यूटोरियल आईडी जो है वो ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल टेबल से हमें मिलेगा, ट्यूटोरियल ऑथर हमें ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल से मिलेगा और एग्जैक्टली ट्यूटोरियल काउंट हमें मिलेगा टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल टेबल से। सो एग्जैक्टली यू हैव टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स। सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट द कॉमन एट्रीब्यूट शुड बी प्रेजेंट इन द बोथ द टेबल्स। अगर हमें ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर्स इज द कॉमन एट्रीब्यूट विच प्रेजेंट विच एग्जिस्ट इन बोथ द टेबल्स। टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल में भी ट्यूटोरियल ऑथर नाम का एट्रीब्यूट है एंड द सेम पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज अवेलेबल विथ ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टीबीएल टेबल ऑल्सो। ओके, सो दोनों टेबल्स में एक कॉमन एट्रीब्यूट प्रेजेंट है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉमन एट्रीब्यूट विल डिजाइन द क्वेरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइन विल बी अप्लाइड। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर क्वेरी कैसे डिजाइन किया हुआ है। सो इफ वी आर गोइंग टू एक्सेस द डेटा एंड वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द डेटा एज यूजुअल विल हैव टू यूज द सेलेक्ट कमांड, है ना, सेलेक्ट कमांड को यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप इसको अभी छोड़ दीजिएगा कि ये ए डॉट क्या है, ये मैं आपको इस क्वेरी के एंड में बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए, तो सेलेक्ट कमांड के बाद उन सारे पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स का नाम आ जाएगा जिसकी वैल्यू को हम डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ट्यूटोरियल अंडरस्कोर आईडी वी रिक्वायर्ड, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू हमें चाहिए। देन वी नीड द नेम ऑफ द ऑथर, सो अगर ऑथर का नेम चाहिए तो वो किस एट्रीब्यूट में अवेलेबल है, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर में अवेलेबल है, और ट्यूटोरियल काउंट भी हमें चाहिए। तो ये तीन एट्रीब्यूट की वैल्यूज को हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट सेपरेटेड बाय द कॉमा ऑपरेटर, है ना, आफ्टर सेलेक्ट कमांड। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल आईडी हमने यूज किया, ट्यूटोरियल ऑथर लिख दिया और ट्यूटोरियल काउंट लिख दिया, और इसी एनी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने वाली है। नाउ वी आर सेलेक्टिंग द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम बोथ द टेबल्स विल हैव टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, यहाँ पर आप जैसे टेबल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ट्यूटोरियल आईडी और ट्यूटोरियल ऑथर जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है, आपके ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल में अवेलेबल है, और ट्यूटोरियल काउंट कहाँ से मिलेगा हमें, टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल टेबल से मिलेगा। सो इन दिस सिंगल क्वेरी वी हैव टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ द टेबल्स, ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टेबल एज वेल एज फ्रॉम टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कि फ्रॉम क्लॉज के बाद हमने ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल भी लिखा हुआ है और टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल भी लिखा हुआ है। उसके बाद कंडीशन हमने यहाँ पर इसलिए लगाई है क्योंकि एग्जैक्टली हमारे पास बहुत सारे ऑथर्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें उन्हीं ऑथर्स की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करना है, उन्हीं ऑथर्स के नेम को डिस्प्ले करना है जिनका ट्यूटोरियल काउंट दोनों टेबल्स में अवेलेबल है। मतलब जो पर्टिकुलर ट्यूटोरियल ऑथर आपकी ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टेबल में भी है और टी काउंट अंडरस्कोर टेबल में भी है, तो वही पर्टिकुलर हमें ऑथर्स का नेम यहाँ पर डिस्प्ले करना है। सो एग्जैक्टली द कंडीशन विल बी बेस्ड ऑन द कॉमन एट्रीब्यूट दैट इज प्रेजेंट इन द बोर्ड टेबल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर और
ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल में भी है और ट्यूटोरियल अंडरस्कोर सॉरी टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल में भी अवेलेबल है. तो दोनों टेबल्स के अंदर ये कॉमन एट्रीब्यूट है. सो व्हाट वी हैव टू डू इफ वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द कंडीशन, अगर हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तो कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों टेबल्स के कॉमन एट्रीब्यूट को यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपेरिजन ऑनली विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन एज द आउटपुट. अब यहाँ पर देखिएगा कि मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पर ये A डॉट इस तरह से क्यों लिखा हुआ है. तो आपने C++ या जावा में किसी पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा. सो ऑब्जेक्ट वहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली आपके क्लासेस के मेंबर्स को रेफर करने के लिए यूज होता था. तो यहाँ पर इस तरह से इसको समझिए कि पर्टिकुलर आपकी जो टेबल है, टेबल का नाम जो है इट इज द क्लास एंड ऑल द एट्रीब्यूट्स आर द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस दोनों टेबल्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे एंड दैट ऑब्जेक्ट इज अ एंटिटी दैट रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द क्लास. तो यहाँ पर हमने क्या किया, ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर टीबीएल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया ए और टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया बी. नाउ जब भी हमें पर्टिकुलर एट्रीब्यूट यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस क्लास के नाम की उस पर्टिकुलर टेबल के नाम की बजाय उस पर्टिकुलर टेबल का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हम यूज करेंगे. तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल का ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया है, ए बनाया है. तो जहां भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है ना आप इस ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल का यूज करेंगे तो वहां पर ए डॉट करके वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को रेफर करेंगे. मतलब डॉट यहां पर एज अ मेंबर रेफरेंस ऑपरेटर यूज हो रहा है जिसको अपन यूज करेंगे, है ना. तो यहाँ पर देखिएगा ट्यूटोरियल अंडरस्कोर आईडी कहां पर है, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल में, और ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल का ऑब्जेक्ट हमने क्या बना दिया यहाँ पे, ए बना दिया. नाउ ए डॉट ट्यूटोरियल अंडरस्कोर आईडी, मतलब यहाँ पर ये चीज ये डिनोट कर रही है कि पर्टिकुलर ये एट्रीब्यूट किस टेबल का है, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल का है. क्योंकि एग्जैक्टली हम इस पर्टिकुलर सिंगल क्वेरी में दो टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करना होगा कि ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट किस टेबल से है, किस टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है. देन ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर ऑथर, अब आप देख सकते हैं कि ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर दोनों टेबल्स में है लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस टेबल के, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर की, हम बात कर रहे हैं ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल का है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका यूज किया आपने, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल वाला ऑब्जेक्ट आपने यूज किया हुआ. अब ट्यूटोरियल अंडरस्कोर काउंट की बात करेंगे तो ये किसका है, ये आपके टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल का है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट लिया है किसका, टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल. टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल का ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया, बी. सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, बी डॉट ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर काउंट. कंडीशन में भी इसी तरह से करेंगे, कंडीशन में भी हमने दोनों टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उसकी बेस पर कंडीशन स्पेसिफाई की है. तो ए डॉट ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर मतलब ये इस टेबल का है और बी डॉट ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर आपकी ये प्रीवियस टेबल टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल का है. तो इस बेसिस पर आप ज्वाइन कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं. नाउ योर क्वेरी इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, अब आपकी क्वेरी ये रेडी हो गई है एग्जीक्यूट होने के लिए. नाउ विल टॉक अबाउट द आउटपुट, क्या एग्जैक्टली आउटपुट इसका होगा. तो तीन इंफॉर्मेशन हमने एक्सेस किए यहाँ से, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर आईडी, ट्यूटोरियल अंडरस्कोर ऑथर एंड ट्यूटोरियल अंडरस्कोर काउंट. सो इन द आउटपुट विल गेट द डिटेल ऑफ थ्री एट्रीब्यूट्स, तीन एट्रीब्यूट्स की डिटेल, तीन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज आपके सामने प्रिंट होंगी. तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमने इन दो एट्रीब्यूट्स को इक्वल किया हुआ है, मतलब एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी जो दोनों टेबल में कॉमन होगी, है ना. मतलब अगर हम यहाँ पर जॉन पॉल की बात करेंगे ट्यूटोरियल ऑथर की, तो जॉन पॉल हम देखेंगे यहाँ पर टी काउंट टेबल में अवेलेबल है क्या, यस जॉन पॉल इज अवेलेबल एंड द ट्यूटोरियल काउंट ऑफ जॉन पॉल इज 1. सो विल गेट द ट्यूटोरियल आईडी, ट्यूटोरियल आईडी क्या है जॉन पॉल का, 1 है. सो विल गेट फर्स्ट रो एज आउटपुट 1,
ट्यूटोरियल ऑथर इज जॉन पॉल एंड हिज ट्यूटोरियल काउंट इज 1. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ वन रो, मतलब ये आपके फर्स्ट रो का आउटपुट है. सेकेंड रो के आउटपुट में आप देखिए अब्दुल एस आपका जो है ये ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल में है, लेकिन टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल में है क्या अब्दुल एस? नहीं है, है ना? मतलब ट्यूटोरियल ऑथर इस नाम का, अब्दुल एस नाम का टी काउंट टेबल में नहीं है. सो दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विल बी रिजेक्टेड, है ना? ये पर्टिकुलर रो आपकी सिलेक्ट नहीं होगी. संजय की बात करेंगे, क्योंकि थर्ड ऑथर क्या है हमारे पास, संजय है ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टीबीएल में, लेकिन ये टी काउंट अंडरस्कोर टीबीएल में है क्या? संजय यहाँ पर नहीं है, सॉरी है एग्जैक्टली. संजय ट्यूटोरियल ऑथर है और इसका टी काउंट क्या है, इसका टी काउंट भी 1 है. सो दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टेबल एंड यू विल गेट दिस रो एज द सेकेंड आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेरी. सो ठीक है, तो तीन ऑथर्स हमारे पास थे, जॉन पॉल, अब्दुल एस और संजय. तो केवल इसमें से जॉन पॉल और संजय की इंफॉर्मेशन ही प्रिंट हो पाई, क्योंकि दोनों टेबल्स में यही ट्यूटोरियल ऑथर कॉमन थे. ठीक है, और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल ऑथर हैं जो कि टी काउंट टेबल में अवेलेबल हैं, बट दे विल बी डिस्कार्डेड. ओके, ये सारी चीजें, ये सारे ऑथर्स डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि दोनों टेबल में इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है. तो इस तरह से आपका ये ज्वाइन कॉन्सेप्ट यूज होता है ना? अगर दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन हमें एक्सेस करनी है तो इस तरह से हम ज्वाइन कॉन्सेप्ट का यूज करके कर सकते हैं. बट इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी सिलेक्टेड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कॉमन इन बोथ द टेबल. ओके, सो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कॉमन होगी और दोनों टेबल के एट्रीब्यूट्स, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स मैं बोल रहा हूँ, उन दोनों टेबल्स के कॉमन एट्रीब्यूट्स में वैल्यू जो अवेलेबल होगी वही यहाँ पर एक्सेस हो पाएगी, अगर वो कॉमन है तो. ठीक है, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जॉइन कॉन्सेप्ट, दैट वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स इन अ सिंगल क्वेरी. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ जॉइन. टाइप्स ऑफ जॉइन की बात करेंगे तो सबसे पहला जो टाइप है वो है इनर जॉइन, है ना? इनर जॉइन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट क्या है, रिटर्न ऑल द रोज व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन मैच इन बोथ द टेबल. मतलब इनर जॉइन का मतलब ये है कि अगर पर्टिकुलर एक मैच हमें मिलता है, मतलब अगर पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन हमें मैच हो जाती है दोनों टेबल्स में, सो इट विल रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम बोथ द टेबल. ओके, इसको आगे मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा आप लोगों को, अभी केवल आप डेफिनेशन यहाँ पर रीड कर लीजिए. नाउ लेफ्ट जॉइन की हम बात करेंगे, इट रिटर्न्स ऑल द टेबल्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड द मैच्ड रोज फ्रॉम द राइट टेबल. अब यहाँ पर देखिएगा, आपकी दो टेबल्स हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है सपोज, तो लेफ्ट टेबल से सारी रोज डिस्प्ले होंगी बट राइट टेबल से वही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी जो लेफ्ट और राइट टेबल में कॉमन होगी. ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा आपको, इस पर्टिकुलर जॉइन के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट इज अ लेफ्ट जॉइन. दैट मीन्स ऑल द रिकॉर्ड विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल बट ओनली दोज रिकॉर्ड्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम राइट टेबल विच आर कॉमन इन बोथ द टेबल्स. जो कॉमन है वही सिलेक्ट होंगे राइट टेबल से. ठीक है, नाउ राइट जॉइन जस्ट लेफ्ट जॉइन के अपोजिट है, है ना? मतलब हमारे पास दो टेबल्स हैं लेफ्ट और राइट, दैट मीन्स ऑल द रिकॉर्ड विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम राइट टेबल बट ओनली दोज रिकॉर्ड विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टेबल विच इज अवेलेबल इन राइट. मतलब दोनों के कॉमन ही लेफ्ट टेबल से ही सिलेक्ट होंगे, तो लेफ्ट और राइट दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट है. एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेफ्ट जॉइन क्या कहता है यहाँ पे. लेफ्ट जॉइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये कहता है कि लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे लेकिन राइट टेबल से केवल वही रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे जो दोनों लेफ्ट और राइट टेबल में कॉमन होंगे. ठीक है, राइट टेबल क्या बोल रहा है यहाँ पे,
राइट टेबल का कॉन्सेप्ट ये है कि राइट टेबल से सारे इंफॉर्मेशन सारे रो सेलेक्ट हो जाएंगे, बट लेफ्ट टेबल से वही रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे जो दोनों टेबल्स में कॉमन होंगे, है ना। इसको अपन समझेंगे जब मैं एग्जांपल बताऊंगा, पर्टिकुलर सारे टाइप्स जितने भी ज्वाइन के हैं उनका सबका मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दूंगा, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली डेफिनेशन यहाँ पर रखी हुई है पर्टिकुलर ज्वाइन की। नाउ फुल ज्वाइन की बात करेंगे, रिटर्न ऑल दी रोज व्हेन देयर इज अ मैच इन वन ऑफ द टेबल। मतलब यहाँ पर फुल ज्वाइन का मतलब है दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाएगी, है ना, सारी रो सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना, केवल एक मैच होने पर। केवल अगर एक मैच होगा तो मतलब एक पर्टिकुलर रो मैच हो जाएगी तो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फुल ज्वाइन। ओके, नाउ ये सारे आपके टाइप्स थे ज्वाइन के, और ये मान के चलिएगा कि आरजीबी में एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसका हर बार आता ही आता है आरजीबी के क्वेश्चन पेपर में कि ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, है ना, एक्सप्लेन ऑल इट्स टाइप सुटेबल एग्जांपल। इस तरह से क्वेश्चन हर साल आया ही है और इस साल भी रिपीट होने के चांसेस हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा इसको, है ना, ज्वाइन की डेफिनेशन भी और टाइप्स भी। ओके, नाउ अभी टाइम है थोड़ा, तो इनर ज्वाइन भी अपन लोग देख लेते हैं। अब इनर ज्वाइन की हम बात करेंगे, तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन यहाँ बताया था इनर ज्वाइन कीवर्ड, तो इनर ज्वाइन यहाँ पर कीवर्ड है। मतलब जब हम ज्वाइन की बात कर रहे थे तो हम पर्टिकुलर कीवर्ड यूज नहीं किए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पर केवल आपको सिंपल ज्वाइन बताया था कि कैसे सिंपल ज्वाइन यहाँ पर वर्क करता है, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे इनर ज्वाइन को, तो इनर ज्वाइन जब भी आप यूज करेंगे तो इनर ज्वाइन आपको एज अ कीवर्ड यूज करना पड़ेगा क्वेरी के अंदर, ठीक है। इनर ज्वाइन कीवर्ड सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स एज लॉन्ग एज देयर इज अ मैच बिटवीन द कॉलम्स एंड बोथ द टेबल्स। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इनर ज्वाइन क्या है। इनर ज्वाइन कीवर्ड है, जब भी हम इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इनर ज्वाइन हम लोग जब भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो इनर ज्वाइन कीवर्ड हम यूज करेंगे, है ना। और ये इनर ज्वाइन एग्जैक्टली सेम एज सिंपल ज्वाइन, जो कि मैंने आपको सिंपल ज्वाइन पढ़ाया है, बिल्कुल वही है इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। इनर ज्वाइन क्या है एग्जैक्टली, जो भी मैच्ड रोज हैं वही डिस्प्ले होंगे, है ना, एज अ आउटपुट। सो यहाँ पर मैंने एक नोट भी मैंशन किया हुआ है, इनर ज्वाइन इज सेम एज दी सिंपल ज्वाइन, है ना। यहाँ पर इसका एक वेन डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है। तो दो टेबल्स हमारे पास हैं, टेबल वन और टेबल टू। तो आप देख रहे हैं केवल और केवल वही इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही है जो दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन है। ओनली मैच्ड रोज विल बी सिलेक्टेड इज द आउटपुट इफ यू आर गोइंग टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ द टेबल्स फ्रॉम टेबल वन एंड टेबल टू। तो इनर ज्वाइन इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब इसका सिंटेक्स की हम लोग बात करें तो सिंटेक्स, दो सिंटेक्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम्स नेम, मतलब उन सारे कॉलम के नाम मुझे यहाँ पर लिखना है जिनकी इंफॉर्मेशन को एज पर द रिक्वायरमेंट मुझे एक्सेस करने की जरूरत है फ्रॉम टेबल वन, है ना, क्योंकि टेबल वन का जो भी नाम होगा आपको यहाँ पर फ्रॉम क्लोज के बाद टेबल वन का नाम लिखना होगा। देन यू हैव टू यूज द इनर ज्वाइन कीवर्ड। इनर ज्वाइन कीवर्ड जैसा कि मैंने बोला कि इनर ज्वाइन आपको अप्लाई करना है, है ना, तो आपको इनर ज्वाइन का कीवर्ड यहाँ पर यूज करना होगा। देन इनर ज्वाइन के बाद क्या आएगा आपका, इनर ज्वाइन के बाद आएगा नेम ऑफ द टेबल टू। टेबल टू का नाम यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है वो नाम आएगा। देन अब यहाँ पर देखिएगा कि हम यूजुअली क्या करते थे, वेयर क्लॉज के बाद कंडीशन को अप्लाई करते थे, मतलब कंडीशन का स्पेसिफिकेशन हम देते थे वेयर क्लॉज के बाद। लेकिन यहाँ पर अगर आप ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो यहाँ पर वेयर आपका जो क्लॉज है वो यूज करें या ना करें कोई भी इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑन एक पर्टिकुलर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जिसके बाद आप कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो कि इस कंडीशन के बेसिस पे टेबल वन और टेबल टू, मतलब दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सेस की जा रही है। यहाँ पर ऑन का कॉन्सेप्ट, मतलब एक ऑन कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा और उसके बाद कंडीशन स्पेसिफाई करनी होगी। सो सिंटैक्स ऑफ द इनर जॉइन विल बी सेलेक्ट
column names from table 1, then inner join keyword, then table 2, on keyword, then specify the condition. So specify करने के लिए table 1 dot column name equal table 2 dot column name. We are comparing the value of common attribute जो कि दोनों tables में present है. तो table 1 का column name और table 2 का column name जो भी common attribute है उसके basis पर आपने inner join यहाँ पर apply किया हुआ है. Okay? Syntax 2 की बात करेंगे तो syntax 2 में मैंने inner join keyword की जगह केवल join यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तो मैंने आपको बताया है कि inner join is same as the join, है ना. और जो previous example अपन लोग किए थे simple join मैंने explain किया था, उसमें भी exactly क्या हो रहा था, उसमें भी exactly दोनों tables से common information ही access हो रही थी. तो यहाँ पर आप देखिएगा कि टेबल वन और टेबल टू से केवल और केवल कॉमन इंफॉर्मेशन ही एक्सेस हो रही है. सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनर जॉइन एंड इट इज सेम एज दी सिंपल जॉइन. तो यहाँ पर इनर जॉइन की जगह आप जॉइन कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू इसमें नहीं है. तो सिलेक्ट देन कॉलम नेम, सारे कॉलम्स आ जाएंगे फ्रॉम टेबल वन. बस कुछ नहीं करना है, इनर जॉइन के कीवर्ड की जगह हमें यहाँ पर जॉइन का कीवर्ड अप्लाई करना है. ओके, देन नेम ऑफ द टेबल टू, then on, then specify the condition. So like that you can select the detail from both the tables, from table 1 as well as from table 2 on the basis of inner join. Okay, so iska example kar lete hain. Example same hai, same in example same statement rakha hai ki hame tutorial id chahiye, tutorial author chahiye और ट्यूटोरियल काउंट चाहिए. और सेम टेबल में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या एग्जैक्टली किस तरह से टाइप्स ऑफ जॉइन में टाइप्स ऑफ जॉइन हम लोग अप्लाई करते जा रहे हैं. अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल चेंज कर देता तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती. तो मैंने यहाँ पर सेम टेबल्स ही रखी हैं और उन्हीं पर्टिकुलर टेबल से सेम स्टेटमेंट के थ्रू हम अलग अलग टाइप की क्वेरी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स ऑफ ज्वाइन. मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ ज्वाइन हमारे पास हैं उतने टाइप्स के लिए हम अलग अलग क्यूरी बनाएंगे, बट द नेम ऑफ द टेबल्स एंड द स्टेटमेंट विल बी सेम. ओके, तो नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका एग्जांपल कि किस तरह से हम लोग इनर ज्वाइन और यहाँ पर ज्वाइन को यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे अपन लोग, क्योंकि 4 मिनट बचे हैं, मुझे अटेंडेंस भी लेना है. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन. हेलो, क्लियर हुआ? हेलो, यस सर, यस सर. इजी है जॉइन वैसे? हेलो, यस सर, यस सर, है ना. और क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इसका, आरजीबी में हर साल रिपीट होता है. हेलो, हेलो सर, बन जाएगा. यस सर, चलो अटेंडेंस बोल दो फटाफट. ओके सर, 61 कौन है? 61 पुलकित चौहान. पुलकित चौहान, चलो ठीक है. अरे बताते चलो जल्दी, 4 मिनट बचे. 74 रोशन. 78 ऋषभ. 86 शिवम. 86 90 समीक्षा. यस सर. 89 सलोनी. सर
95 शिवम सर 76 वो तो गया रिमाली सर 103 103 सोनम यस सर 103 के बाद 114 उदय 116 विकल्प 117 विकास हो गया ना 117 और कौन है सर 102 कौन है सोनाली सोनाली यस सर ओके और कोई बचा है लेटरल 108 हो गया 108 हो गया ना 108 सौरभ किरार ना हो गया और कोई बचा है लेटरल में कोई है हेलो नयन एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना सभी का नयन विवेक तुम ले लेना स्क्रीनशॉट एक बार है ना और मुझे व्हाट्सएप कर देना अगर कोई रह गया होगा तो मैं लगा दूंगा अटेंडर चलो ठीक है तो मैं लेक्चर यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ थैंक यू एक मिनट रुकिए थैंक यू सर just second एंड करूं हो गया सर ठीक है चलो थैंक यू